नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज की तरफ से आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने जताया विरोध। रेप पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर के न्याय की मांग। बता दें कि शनिवार को राजा जलाल सिंह शवसैया अस्पताल में इमरजेंसी सेवा बहाल कर डॉक्टरों ने कामकाज को कुछ देर ठप करने धरने के साथ कोलकाता में हुए ट्रेनी डॉक्टर को रेप के बाद मौत के मामले में जस्टिस फॉर ट्रेनी डॉक्टर के लिए एक नया जुलूस निकाला। ज्ञात हो कि कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की रेप की हत्या के मामले में शनिवार को शवसैया संयुक्त जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने ओपीडी को कुछ देर तक बंद कर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अस्पताल में धरना दिया, जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहीं। धरने के पश्चात डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर हॉस्पिटल परिसर में न्याय जुलूस निकाला, जो कि विद्युत उपकेंद्र अतरौलिया, खंड विकास भवन अतरौलिया व हॉस्पिटल चौराहे तक गया। इस दौरान डॉक्टरों ने छात्रा को कातिलों को फांसी दो, डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है आदि के नारे भी लगाए। डॉक्टरों ने कहा कि हमारी मांग है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डॉक्टरों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस मौके पर प्रमुख रूप से डॉक्टर हमीर सिंह, पंकज पांडे, राघव वर्मा, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर ए के राय, राजन शर्मा, उमेश गुलाटी, शाहिद जमाल, संजय मिश्रा, फार्मासिस्ट संजय कुमार, संतोष कुमार, तेज प्रताप, कृपाराम वर्मा, एक्सरे टेक्नीशियन सुनील कुमार, गुलाब यादव, राघव वर्मा, वार्ड बॉय जितेंद्र चौबे, राजू कुमार, स्टाफ नर्स मंजू ममता, नेहा, विजय लक्ष्मी इलेक्ट्रीशियन अनुप यादव, पंकज आदि लोग मौजूद रहे। सर, आज किस चीज़ का कैंडल मार्च निकाले हैं और क्या मांग को लेकर के निकाले, इसके बारे में बताइए। मांग हम लोग बहुत पहले से करते रहे हैं और बार बार वही घटना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो बंगाल में घटित हुई है, बहुत ही रेयरेस्ट घटना है। ऐसा नहीं कि मामूली रेप का केस है चाहे मामूली मर्डर का केस है। एक लड़की जो अपना घर द्वार छोड़ के 24-48 घंटा ड्यूटी करती थी, चाहे करते हैं, जितने भी रेजिडेंट हैं करते हैं, आप जो सामान्य व्यक्ति अगर जाके देखेगा तो उसकी आँख खुल जाएगी कैसे बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। और वो लड़की जाके अपना ड्यूटी करके थोड़ा समय मिला आराम करने, वो भी उस सेमिनार रूम में सो रही है और उसके साथ दरिंदों ने दरिंदगी करी इस हिसाब से, और उसको मार दिया गया, उसके साथ रेप हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात, पुलिस हिला हवाली कर रही है, सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। इसमें कौन लोग हैं, दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो और आने वाले समय में ऐसी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना रिपीट है किसी के साथ, चाहे वो कोई हो, किसी के साथ, एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ, कभी नहीं ऐसा कानून बनाए सरकार की, कम से कम डर हो, एक बार करने से पहले 10 बार सोचे, उसकी पीढ़ियाँ याद रखें ताकि वो नज़र उठा के कोई देख ना सके। हमारी मांग है, कई बार ऐसा हो चुका है, हम लोग जो डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं 24, उसकी ड्यूटी का कोई नियम नहीं, 24 घंटा 48 घंटा, कोई संडे नहीं, कोई त्यौहार नहीं, केवल ओपीडी बंद रहती है किसी दिन, नहीं तो बाकी दिन 24 घंटा ड्यूटी होती रहती है। हम लोग करते रहते हैं ये ना देखते हुए कि क्या खा रहे हैं, परिवार को छोड़ के वैसे भी, और इसके साथ वो जो लड़की, उसके साथ जो हुआ, उसके घर वालों के साथ क्या गुजरी होगी। तो हमारी बस यही मांग है कि इसकी सामने सच्चाई आनी चाहिए और ऐसा कानून बने कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार से कोई हिम्मत ना करे ऐसे। और डॉक्टरों के खिलाफ जो ये सब हो रहा है, हिंसा काम हो रहा है, उनके से मारपीट हो रही है, ये सब ना हो, बस यही मांग है। बस यही, चाहे सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जैसे भी, सुरक्षा, जब तक सुरक्षा नहीं, हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे। और इतनी विभत्स घटना हुई है, उसका तो कोई क्या कह सकता।